मुझे तो लगता है कि मैंने लूसिफर का कंपेनियन बनके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। इवन कि मैंने सर्बियन डांसिंग लेडी के सारे गोस्ट को भी मार दिया था और मुझे लगा था कि उसके बाद लूसिफर यहाँ पर आके सर्बियन डांसिंग लेडी को मार देगा, बट नहीं यार गाइस, लूसिफर यहाँ पे नहीं आया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि लूसिफर ने हम लोग को धोखा दे दिया है। लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि लूसिफर ने मुझे एक गन तो दी थी, उस वाली गन को हम लोग नूबड़ी गन तो नहीं बोलेंगे, बट यार गाइस वो वाली गन सर्बियन डांसिंग लेडी को नहीं मार पाई, लेकिन लूसिफर की दी गन से मैंने सारे के सारे गोस्ट को मार दिया और साथ में लूसिफर ने मुझे पावर्स भी दी थी। और वो वाली पावर्स वो थी कि सर्बियन डांसिंग लेडी या फिर इसके गोस्ट मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते थे, लेकिन वो सब तो हो गया और रात के 12 बजे के बाद मेरे पास से पावर सारे के सारे चली गई थी। मुझे लगा था कि जैसे ही मेरी पावर्स खत्म होंगी लूसिफर यहाँ पर आ जाएगा, बट नहीं यार गाइस, लूसिफर यहाँ पर आया नहीं और अभी सर्बियन डांसिंग लेडी यहाँ पे खड़े होकर मुझे टॉर्चर कर रही है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी इतनी ज्यादा खतरनाक आग के ऊपर मैं 2-3 मिनट से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता हूँ। मेरी पूरी की पूरी बॉडी काफी ज्यादा जल रही है और सबसे ज्यादा तो मेरी आंखें जल रही हैं। आंखें बंद करता हूँ तब भी हीट लगती है, आंखें खोलता हूँ तब भी हीट लगती है। मुझे तो लगता है कि अभी थोड़ी देर में मेरी आंखें पिघल के लग जाएंगी गोस्ट राइडर को। हाँ यार गाइस, गोस्ट राइडर तो यहाँ पे ऑलरेडी मर चुका है, लेकिन पता नहीं क्यों लूसिफर यहाँ पे नहीं आ रहा है। काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे लूसिफर पर, लेकिन साथ में खुशी भी हो रही है। और गाइस, खुशी इस बात की हो रही है कि हम लोग को चॉप की डेड बॉडी मिल गई है और अभी जैसे लूसिफर यहाँ पर आके सर्बियन डांसिंग लेडी को मारेगा उसके बाद हम लोग चॉप को दोबारा से जिंदा करेंगे और साथ में हम लोग का दोस्त गोस्ट राइडर भी हम लोग के पास वापस आ जाएगा। लग रही है धीरे धीरे गोस्ट राइडर को आग लग रही है और अभी इसके बाद मेरा नंबर है, नहीं बचूंगा। आप लोग जल्दी से आकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके प्लीज लिख दो लूसिफर कम बैक, उसके बाद लूसिफर यहाँ पर आएगा और वो सर्बियन डांसिंग लेडी को मार देगा, नहीं तो ये इसी तरह डांस करते करते मुझे टॉर्चर करती रहेगी और मेरा दी एंड हो जाएगा। लेकिन साथ में दिक्कत एक और भी है कि सर्बियन डांसिंग लेडी ने ट्रेवर को देख लिया है और चॉप की डेड बॉडी भी ट्रेवर के पास है। आई होप कि यार गाइस सर्बियन डांसिंग लेडी ट्रेवर के पास नहीं जाएगी, क्योंकि अगर ट्रेवर को कुछ हुआ तो फिर मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अब मैं इसका कर भी क्या सकता हूँ। एक ही गन दी थी मुझे लूसिफर ने और उस वाली गन को यूज करके मैंने सर्बियन डांसिंग लेडी के सारे दोस्तों को मार दिया है। आप लोग सोच सकते हो कि यार गाइस सर्बियन डांसिंग लेडी अभी यहाँ पे बिल्कुल अकेली है, लेकिन पता नहीं अब ये लूसिफर किधर है। इससे ज्यादा अच्छा मौका हम लोग को दोबारा नहीं मिलेगा सर्बियन डांसिंग लेडी को मारने का। मेरे ख्याल से तो लूसिफर को अब तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों वो अभी तक यहाँ पे नहीं आ रहा है। हाँ मेटी, तुम जिससे उम्मीदें लगा के बैठे हो वो वाला लूसिफर यहाँ पर कभी भी नहीं आएगा, और अगर वो यहाँ पर आ भी गया तो उसका भी मैं तुम्हारे जैसा हाल करूंगी। सर्बियन डांसिंग लेडी, मुझे ये तो पता है कि तुम लूसिफर को कभी भी नहीं मार सकती हो, और रही बात मेरी तो मेरा तो ऑलरेडी काफी ज्यादा पसीना निकल रहा है और अभी थोड़ी देर के अंदर मेरी बॉडी मेल्ट हो जाएगी। प्लीज मुझे नीचे उतारो। तुम्हें शायद पता नहीं हामिटी, तुमने मेरी सारी की सारी आर्मी को खत्म कर दी है, अब भी मैं अकेली हो गई हूँ। और जब मैं अकेली होती हूँ हामिटी, तब मैं किसी को भी नहीं छोड़ती। अभी तुम्हारे खत्म होने का टाइम आ चुका है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इतनी आराम से नहीं मारूंगी। तुम्हें मैं ठीक उसी तरह टॉर्चर करके मारूंगी जिस तरह तुमने मेरी दोस्त द नन और मेरे डेविल बॉस को टॉर्चर किया था। लेकिन सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम्हारे डेविल बॉस और द नन को मैंने नहीं मारा था, द नन को तो गोस्ट राइडर ने मारा था, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे गोस्ट राइडर को मार दिया है। लेकिन मेरे डेविल बॉस को तो तुम लोग के लूसिफर ने मारा था ना। हाँ लूसिफर ने ही मारा था, और मुझे ये भी पता है अगर लूसिफर यहाँ पर आ गया तो फिर वो तुम्हें भी मार देगा। हाँ मेटी, अगर लूसिफर ने यहाँ पर आना होता तो वो अब तक आ चुका होता। मैं तुम्हें अभी आखिरी चांस दे रही हूँ, तुम मेरी टीम के अंदर आ जाओ। सर्बियन डांसिंग लेडी की ये वाली ऑफर काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि यार गाइस लूसिफर ने तो मुझे धोखा दे ही दिया है। अभी अगर सर्बियन डांसिंग लेडी की टीम के अंदर आ गया तो एटलीस्ट मुझे सिंचन तो वापस मिल जाएगा। हाँ यार गाइस, चॉप तो ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है, बट चॉप जिंदा नहीं है, चॉप की डेड बॉडी मेरे पास आई है। और अगर सिंचन भी मेरे पास वापस आ गया तो फिर मेरी दुश्मनी तो सर्बियन डांसिंग लेडी से खत्म हो जाएगी। बट यार गाइस, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा है, क्योंकि मेरे बिल्कुल नीचे गोस्ट राइडर की डेड बॉडी है। यार गाइस, गोस्ट राइडर मेरा काफी ज्यादा अच्छा दोस्त था, हम लोगों ने साथ में मिलके काफी ज्यादा हंसी मजाक भी किया था, बट यार गाइस अभी इसकी डेड बॉडी मेरे सामने है। और सिर्फ गोस्ट राइडर नहीं, कर्स और क्राटोस भी मेरी वजह से ही मरे थे, क्योंकि यार गाइस वो मेरी बेवकूफी थी। हाँ यार गाइस, मुझे अपनी गलती एडमिट करनी चाहिए, लेकिन धोखा तो मुझे इस नूबड़ी सर्बियन डांसिंग लेडी ने ही दिया था। आप लोगों ने अगर पिछले वाले एपिसोड्स देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि यार गाइस कर्स किस तरह मरा था, क्राटोस किस तरह मरा था और ये गोस्ट राइडर किस तरह मरा था। और साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि सर्बियन डांसिंग लेडी के साथ हम लोग की दुश्मनी है क्या। तो इसलिए अगर आप लोग सर्बियन डांसिंग लेडी के सारे एपिसोड्स को देखना चाहते हो तो आप लोग को मेरे चैनल पर जाना होगा, और चैनल के बाद आप लोग को प्लेलिस्ट के अंदर जाना होगा, वहां पे सर्बियन डांसिंग लेडी की पूरी प्लेलिस्ट है और उस वाली प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे एपिसोड्स भी हैं।
हामिटी को लग रहा है कि लूसीफर यानी के हेल गॉड ने हामिटी को धोखा दिया है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस हामिटी को चेक करना चाह रहा था और हामिटी ने अपना टेस्ट बढ़िया तरीके से पास कर लिया है। इस अकेले एक इंसान ने सर्बियन डांसिंग लेडी के सारे गोस्ट को अकेले मारा। उसके बाद 3 घंटे हो गए मैं इसको देख रहा हूँ, ये आग में चल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, सर्बियन डांसिंग लेडी ने इसको अपनी टीम के अंदर आने का भी बोला, लेकिन हामिटी ने मुझे धोखा नहीं दिया। तो फिर तुम सब लोग ये कैसे सोच सकते हो कि लूसीफर हामिटी को धोखा देगा? मैं बस सही टाइम आने का वेट कर रहा हूँ। मेरा दोस्त गोस्ट राइडर भी टावर के ऊपर लटका हुआ है और उसके ऊपर मेरा दूसरा कंपेनियन हामिटी भी है। साथ में मुझे ये भी पता चला है कि हामिटी को जॉब की डेड बॉडी मिल गई है। अभी मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं हामिटी को बचाऊँ या फिर मैं ट्रेवर के पास जाके चॉप को जिंदा करूं। लेकिन अगर मैं चॉप के पास गया तो हामिटी मर जाएगा, और हामिटी के पास गया तो हो सकता है कि हामिटी खुद ही मर जाए, क्योंकि सर्बियन डांसिंग लेडी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। उसको पता है कि अगर मैं भी यहाँ पर आ गया तो हामिटी को नहीं बचा सकता। अभी तुम लोग ये सोच रहे होगे कि मैं हामिटी को क्यों नहीं बचा सकता, तो मैं तुम लोग को बताता हूँ। ये देखो, तुम सब लोग हामिटी को लगता है कि वो सिर्फ हवा में खड़ा हुआ है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। हामिटी के पेट के नीचे एक नाइफ है। अगर तो मैंने हामिटी को यहाँ से निकालने की कोशिश की तो ये नाइफ हामिटी के पेट में जाएगी और ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सारा का सारा सर्बियन डांसिंग लेडी का प्लान है, और इसको लगता है कि मैं अपनी बेवकूफी की वजह से हामिटी को मरवा दूंगा। लेकिन नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो फिर मैं करूंगा क्या, ये मैं तुम लोग को बताता हूँ। मुझे अभी सर्बियन डांसिंग लेडी से बात करनी होगी, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो सर्बियन डांसिंग लेडी को अभी इसी वक्त खत्म कर सकता हूँ। लेकिन उससे होगा ये कि हामिटी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हामिटी जो कि मेरा कंपेनियन है उसको मेरी वजह से कुछ भी हो। क्योंकि सर्बियन डांसिंग लेडी ने हामिटी को बोला था कि वो सर्बियन डांसिंग लेडी की टीम के अंदर आ जाए, बदले में उसको सिंचन मिल जाएगा, लेकिन हामिटी ने मना कर दिया। तो फिर मैं अपने दोस्त गोस्ट राइडर के लिए हामिटी को धोखा नहीं दूंगा। जाके बात करता हूँ सर्बियन डांसिंग लेडी से, देखता हूँ कि ये क्या चाहती है। सर्बियन डांसिंग लेडी, अपने पीछे देखो कौन है और ये कैसी पावर है, इसके पास को कुछ हो क्यों नहीं रहा? इसको इतने मुक्के मारो मगर इसको कुछ नहीं हो रहा। लूसीफर, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, तुमने आने में बहुत देर कर दी। देखो तुम्हारा दोस्त गोस्ट राइडर और हामिटी किस तरह खड़े हुए ऊपर। अभी 1 सेकंड में इनको भी मारूंगी और हामिटी के ऊपर तुम्हें भी लटका दूंगी। सर्बियन डांसिंग लेडी, शायद तुम भूल रही हो कि मैं लूसीफर हूँ और तुम्हारी पावर्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। हेल गॉड नाम है मेरा। अभी मेरी बात कान खोल के सुनो, मुझे मेरा दोस्त हामिटी और गोस्ट राइडर यहाँ पर नीचे चाहिए। लूसीफर, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मार तो मैं भी तुम्हें नहीं सकती और ना ही तुम मुझे मार सकते हो। इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम मुझे मेरी द नन और डेविल बॉस वापस करो, बदले में अपना हामिटी और गोस्ट राइडर लेके यहाँ से दफा हो जाओ। सर्बियन डांसिंग लेडी, अगर दोबारा तुमने मुझसे इस तरह बात की तो उसके बाद तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? अगर मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में तुम्हें खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं चुप हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त हामिटी की वजह से। अभी मेरी बात कान खोल के सुनो, मुझे मेरा दोस्त गोस्ट राइडर कर्स क्रॉटोस और हामिटी नीचे ला के दो, उसके बाद मैं तुम्हें द नन और डेविल बॉस की डेड बॉडी दे दूंगा। लेकिन डेविल बॉस की डेड बॉडी को मैं क्या करूंगी? मुझे पता है लूसीफर, तुम मेरे डेविल बॉस को दोबारा जिंदा कर सकते हो, इसलिए अभी इसी वक्त मेरे डेविल बॉस को यहाँ पे जिंदा करके लेकर आओ, और बदले में तुमने जो मांगा है मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन सर्बियन डांसिंग लेडी, एक बात याद रहे, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा करूंगा। लूसीफर, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर मुझे मार सकते हो तो मार के देख लो, और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो फिर मैं तुम्हें गोस्ट राइडर, हामिटी, सारे के सारे तुम्हारे दोस्त वापस कर दूंगी। मुझे मार के दिखाओ। अगर ये बात है सर्बियन डांसिंग लेडी, तो ये लो तुम, और साथ में ये भी लो। ये क्या हो रहा है? इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा है? मेरी पावर्स को क्या हो गया? तुम्हारी पावर को कुछ भी नहीं हुआ लूसीफर, लेकिन तुम बोल सकते हो कि मेरे पास पावर्स आ चुकी हैं, और तुमने तो मेरे ऊपर अटैक करके देख लिया। अभी तुम्हें मैं
तुम्हें अपनी पावर्स दिखाती हूँ। एक सेकंड यार गाइस, ये सर्बियन डांसिंग लेडी लूसीफर को कैसे मार रही है? लूसीफर तो हेल गॉड है, इसके पास बहुत ज्यादा पावर्स है, तो फिर लूसीफर की पावर्स सर्बियन डांसिंग लेडी के ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सर्बियन डांसिंग लेडी, मेरे दोस्त हामेटी को नीचे उतारो, उसके बाद मैं तुम्हें डेविल बॉस और द नन जिंदा करके वापस करूंगा। लेकिन लूसीफर, एक बात याद रहे, मैं तुम्हें गोस्ट राइडर कर्स और क्राटोस की सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडी दूंगी, और हामेटी की भी तुम्हें डेड बॉडी मिलेगी। सर्बियन डांसिंग लेडी हामेटी, तुम मुझे जिंदा लाके दो, और मेरे बाकी के दोस्त कर्स, क्राटोस और गोस्ट राइडर की डेड बॉडी भी तुम मुझे दोगी तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को दोबारा जिंदा कर सकता हूँ। उतारो सर्बियन डांसिंग लेडी, मगर संभल के उतारना, नीचे नाइफ लगी हुई है, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो फिर लूसीफर डील कैंसिल कर देना। हामेटी, पहले तुम नीचे तो आओ। लेकिन लूसीफर, मैं कैसे नीचे आऊँ? इसने मुझे हवा में उड़ा के रखा है। फिकर मत करो हामेटी, तुम अभी नीचे आ जाओगे। अबे यार गाइस, कुछ ज्यादा ही जोर की चोट लग गई। लेकिन मैं नीचे आ गया हूँ। हाँ यार गाइस, मैं नीचे आ गया हूँ। सर्बियन डांसिंग लेडी को लूसीफर तो नहीं मार पा रहा है, लेकिन हो सकता है कि मैं इसको मार दूं। अबे नहीं हो रहा कुछ भी इसको। हामेटी, अगर दोबारा तुमने ये गलती की तो इतनी गंदी मौत मारूंगी, पूरी जिंदगी याद करोगे। अच्छा ठीक है, वो गलती से लग गया मुक्का। लेकिन लूसीफर, तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे बोला था अगर मुझे सर्बियन डांसिंग लेडी की लोकेशन मिल गई, उसके बाद तुम वहाँ पर आके सर्बियन डांसिंग लेडी को मार दोगे, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं आए। हामेटी, अभी तो यहाँ पर आ गया ना, ये फिर भी नहीं मर रही। हाँ वैसे अगर उस टाइम भी तुम आ ही जाते तो क्या ही फायदा था। लेकिन एक बात बताओ, सर्बियन डांसिंग लेडी तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है क्या? नहीं हामेटी, पता नहीं कैसी पावर्स हैं इसके पास। मैंने तो डेविल बॉस को भी मार दिया था तुम्हारी आंखों के सामने, तो फिर ये सर्बियन डांसिंग लेडी पता नहीं क्यों नहीं मर रही। हाँ बात तो वैसे सोचने वाली है, मुझे लगता है कि नर्क में तुम गए हो तो तुम्हारी पावर्स खत्म हो गई हैं। मेरे पास अपनी पूरी की पूरी पावर्स है हामेटी, तुम चुप करके यहाँ पे खड़े रहो। अच्छा ठीक है, मैं खड़ा तो हो रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे अप्रिशिएट तो करो। मैंने सर्बियन डांसिंग लेडी की पूरी आर्मी को मार दिया, उसके बाद मैंने चॉप का भी पता लगा लिया, और अभी चॉप की डेड बॉडी मेरे पास है, और अभी जैसे हम लोग को गोस्ट राइडर कर्स और क्राटोस वापस मिलेंगे, हम लोग जाएंगे चॉप के पास, और फिर तुम चॉप को जिंदा कर दोगे ना। हाँ बेटी, फिलहाल चुप करके खड़े रहो। एक तो यार गाइस, इसको गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है। सर्बियन डांसिंग लेडी इससे मर नहीं रही है, इसलिए गुस्सा मेरे पर निकाल रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं तो फाइनली नीचे आ गया हूँ। लेकिन सर्बियन डांसिंग लेडी की इस वाली आग ने मुझे बहुत ही ज्यादा जला दिया है। एक काम करता हूँ कि थोड़ी देर पानी के अंदर लेट जाता हूँ। हाँ यार गाइस, थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर ठीक हो जाएगा ना, उसके बाद हम लोग उठ जाएंगे। सही है, अभी बेहतर है, पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। लूसीफर, मैंने तुम्हें तुम्हारा दोस्त हामेटी दे दिया, अभी तुम मुझे द नन लाके दो। नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी, ऐसे नहीं, पहले तुम मेरे दोस्त गोस्ट राइडर को भी नीचे उतारो। लूसीफर, मेरे साथ चालाकी करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें हामेटी दिया है, अभी तुम मुझे द नन की डेड बॉडी लाके दो, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें गोस्ट राइडर और द कर्स की डेड बॉडी दूंगी, फिर तुम मुझे मेरा डेविल बॉस वापस करोगे, और जब मेरा डेविल बॉस मेरे पास वापस आ जाएगा, मैं तुम्हें क्राटोस भी दे दूंगी। वैसे अगर देखा जाए ना लूसीफर, तो बात तो सर्बियन डांसिंग लेडी की ठीक ही है, लेकिन तुम दोनों अभी मेरी बात सुनो, मैं तुम लोग को बताता हूँ कि तुम लोग को क्या करना चाहिए। अभी देखो, सबसे पहले तो तुमने मुझे छोड़ दिया ना, ये तो तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है। अभी तुम एक काम करो कि गोस्ट राइडर को भी नीचे उतारो, वैसे भी गोस्ट राइडर तो मरा हुआ है ना, इसकी तो डेड बॉडी है। तुम गोस्ट राइडर को नीचे उतारो, लूसीफर तुम्हें दे देगा द नन की डेड बॉडी, उसके बाद तुम हम लोग को कर्स और क्राटोस वापस करोगी, और बदले में लूसीफर तुम्हें डेविल बॉस दे देगा। लगता है कि हामेटी तुम्हारा ऊपर जाने का दोबारा दिल कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल चुप हूँ, मुझे इन दोनों के बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतनी मुश्किलों से तो मैं ऊपर से नीचे उतरा हूँ। अगर मैंने कोई भी और बात की तो ये मुझे दोबारा आग में जला देगी, इससे बेहतर है कि मैं चुपचाप यहाँ पे बैठ के इन लोग की बातें सुन लेता हूँ। हाँ भाई अभी बताओ, तुम दोनों क्या बोल रहे थे? हामेटी चुप करके बैठे रहो। अच्छा अच्छा ठीक है, चुप करके तो बैठा हुआ हूँ, मैं कौन सा कुछ बोल रहा हूँ? मुझे तो बस एक बात की खुशी है कि अभी चॉप जिंदा होने वाला है। और एक सेकेंड लूसीफर, तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने सर्बियन डांसिंग लेडी से गोस्ट राइडर कर्स क्राटोस और मेरी बात तो कर दी, सिंचन की बात कौन करेगा? हम लोग को सिंचन भी चाहिए। हामेटी सिंचन कौन है? मैंने तुम्हें बताया तो था कि सिंचन मेरा 5 साल का छोटा भाई है। सर्बियन डांसिंग लेडी सुना तुमने, हम लोग को सिंचन भी चाहिए। लूसीफर शायद तुम भूल रहे हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक दफा डील करती हूँ, और अभी हम लोग की बात हो चुकी है। क्या मतलब बात हो चुकी है? मुझे सिंचन वापस चाहिए। अगर सिंचन वापस चाहिए था तो लूसीफर मुझे पहले बताता, लेकिन लूसीफर ने मुझसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कर्स क्राटोस और गोस्ट राइडर की बात की है, और अभी तुम लोग बीच में सिंचन नहीं डाल सकते। अबे लूसीफर ये क्या कर दिया तुमने? हाँ बेटी क्या करूँ, मेरे जहन में नहीं था सिंचन। लेकिन मुझे तो सिंचन चाहिए ना, सिंचन के बगैर मैं क्या करूँगा? हाँ बेटी
फिक्र मत करो, सिंचन भी आ जाएगा, पहले कर्ज क्राटोस और गोस्ट राइडर को आने दो। अच्छा ठीक है, कर लो तुम लोग अपनी कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि सिंचन मुझे नहीं मिलेगा। हाँ यार गाइस, सिंचन कैसे मिलेगा मुझे, एक नंबर का नूबड़ा है लूसीफर। गोस्ट राइडर कर्ज और क्राटोस इसको याद थे, लेकिन इसको मेरा छोटा भाई सिंचन याद नहीं था। हाँ मेटी, मिल जाएगा, सिंचन भी मिल जाएगा। अभी सर्बियन डांसिंग लेडी गोस्ट राइडर को नीचे लेकर आओ, उसके बाद मैं तुम्हें दंड देता हूँ। ठीक है लूसीफर, लेकिन मेरे साथ चालाकी मत करना, क्योंकि तुम्हें ये तो पता चल गया है कि तुम मुझे मार नहीं सकते हो, तो इसलिए कोशिश भी मत करना। और हाँ एक बात याद रहे, मुझे पता है कि जैसे ही मैं गोस्ट राइडर को नीचे उतारूंगी, तुम उसको दोबारा जिंदा करोगे, और उसके बाद तुम दोनों मिलके मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करोगे। लेकिन याद रहे, तुम दोनों मिलके भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि लूसीफर सर्बियन डांसिंग लेडी को कैसे नहीं मार सकता है। लूसीफर तो हेल गॉड है, इतना ज्यादा खतरनाक है, डेविल बॉस को भी इसने मार दिया है, तो फिर ये सर्बियन डांसिंग लेडी को क्यों नहीं मार सका। मुझे तो लगता है कि अभी थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही गलत सीन होने वाला है। हाँ यार गाइस, यहाँ पर मुझे खतरा फील हो रहा है। अभी जैसे यहाँ पे कर्ज क्राटोस और गोस्ट राइडर की एक्सचेंजिंग स्टार्ट होगी, तो उसके बाद मुझे तो लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। हाँ यार गाइस, मुझे तो लगता है कि इन दोनों में से किसी एक ने कुछ सोच के रखा है, और साथ में मैं 100% श्योर हूँ कि यार गाइस ये सब कुछ स्मूथली तो नहीं होने वाला है। यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई ना कोई लड़ाई होगी। हाँ यार गाइस, लड़ाई होगी और काफी ज्यादा खतरनाक होगी, मगर कोई बात नहीं, यहाँ से बाहर निकलने का वो पीछे से रास्ता है तो सही, मैं तो चुपचाप यहाँ से भाग के निकल जाऊंगा। ये लो लूसीफर, तुम्हारा गोस्ट राइडर भी नीचे आ गया, अभी लेकर आओ मेरी दानन को। ठीक है सर्बियन डांसिंग लेडी, अभी लेकर आता हूँ। ये रही तुम्हारी दानन की डेड बॉडी, अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तुम्हें तुम्हारी दानन मिल गई, मुझे मेरा दोस्त गोस्ट राइडर मिल गया। लेकिन लूसीफर याद रहे, तुम मुझे डेविल बॉस जिंदा करके दोगे, मुझे पूरी की पूरी बात अच्छे से याद है। तुमने मुझे गोस्ट राइडर दिया, मैंने तुम्हें दानन दी, अभी तुम मुझे मेरे सारे के सारे दोस्त वापस करो, जिसके अंदर कर्स और क्राटोस हैं, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें डेविल बॉस जिंदा करके दूंगा। ठीक है लूसीफर, मैं तुम्हें कर्स और क्राटोस की डेड बॉडी भी दे देती हूँ। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि यार गाइस, सर्बियन डांसिंग लेडी लूसीफर को इसके सारे के सारे दोस्तों की डेड बॉडी दे रही है, तो फिर लूसीफर सर्बियन डांसिंग लेडी को डेविल बॉस जिंदा करके क्यों देगा। हाँ यार गाइस, अगर तो डेविल बॉस जिंदा होके यहाँ पर आ गया ना, तो फिर मुझे लगता है कि वो लोग लूसीफर को मार देंगे। लूसीफर एक काम करो, फटाफट से अपने दोस्त गोस्ट को जिंदा कर लो। हाँ मेटी, तुम चुप करके बैठे रहो। ऐसे कैसे चुप करके बैठा रहूं, मैं तुम्हारा कंपेनियन नहीं हूँ क्या। हाँ मेटी, मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कर लो जैसा तुम्हें समझ में आता है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। फिक्र मत करो आमेटी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम बोलते हो तो मैं फिक्र नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस वाले टावर के ऊपर तुम, मैं, गोस्ट राइडर, कर्स और क्राटोस लटके हुए नजर आएंगे। चलो सर्बियन डांसिंग लेडी, ला के दो मुझे मेरे दोस्त। हाँ मेटी, की बातों पर गौर मत करो। ठीक है लूसीफर, अभी लेकर आती हूँ। ये लो लूसीफर, तुम्हारे सारे के सारे दोस्त तुम्हारे सामने पड़े हुए हैं, अभी लेकर आओ मेरे डेविल बॉस को जिंदा करके मेरे सामने। लेकिन सर्बियन डांसिंग लेडी, अगर मैं तुम्हें इसी वक्त खत्म कर दूं, तो फिर तुम क्या करोगी। मुझे पता था लूसीफर तुम ये गलती करोगे। ठीक है, तुम दोबारा मेरे ऊपर अटैक करके देख लो, लेकिन तुम मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ लूसीफर, यही बात मैं सोच रहा हूँ, तुम सर्बियन डांसिंग लेडी को मार क्यों नहीं पा रहे हो। हाँ मेटी, अभी ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं बचेगी। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है आमेटी, इसको कुछ भी क्यों नहीं हो रहा। अभी एक काम करो ना कि लूसीफर चुपचाप पीछे जाके खड़े हो जाओ, इससे पहले कि सर्बियन डांसिंग लेडी तुम्हें मार दे। शाबाश आमेटी, तुमने बिल्कुल सही बोला, अगर मैं चाहूँ तो मैं लूसीफर को अभी इसी वक्त खत्म कर सकती हूँ। एक सेकेंड रुको लूसीफर, अगर सर्बियन डांसिंग लेडी लूसीफर को मार सकती है, तो फिर ये मार क्यों नहीं रही है। अभी मैं समझाऊँ कि सर्बियन डांसिंग लेडी वेट कर रही है कि इसके पास डेविल बॉस आ जाए जिंदा होके वापस, और जैसे ही इसके पास डेविल बॉस वापस आएगा, सर्बियन डांसिंग लेडी मुझे भी मार देगी और साथ में लूसीफर को भी मार देगी। अभी देख लो लूसीफर, मैं तो तुम्हें ये कहूंगा कि डेविल बॉस सर्बियन डांसिंग लेडी को मत ही दो। अगर तुम लोगों ने मुझे मेरा डेविल बॉस वापस नहीं किया, तो तुम दोनों यहाँ पे मर जाओगे, और मुझे तो वैसे भी मेरी दोस्त दानन वापस मिल गई है। देखो सर्बियन डांसिंग लेडी, मुझे ये तो पता है कि तुम्हें कोई ना कोई चीज पावर्स दे रही है, लेकिन वो कौन
कौन सी चीज है ये मुझे नहीं पता। और मुझे साथ में ये भी पता है कि अगर मैंने तुम्हें डेविल बॉस दे दिया तो उसके बाद तुम मुझे और हामिटी को भी खत्म कर दोगी। इसलिए अभी मेरी बात कान खोल के सुनो। पहले मुझे अपने दोस्तों को नर्क में वापस भेजना होगा, उसके बाद हामिटी को भी मैं नर्क में भेजूंगा। लेकिन हामिटी नर्क में कैसे सर्वाइव करेगा, ये तो इंसान है। अबे नहीं नहीं सर्वियन डांसिंग लेडी, अभी मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। मैं लूसिफर यानी कि हेल गॉड का कंपेनियन हूँ। लेकिन तुम्हारी पावर्स तो कल रात 12 बजे खत्म हो गई थी। हाँ वो कल रात 12 बजे खत्म हो गई थी ना, लेकिन अभी मेरे पास वापस से पावर्स आ चुकी हैं। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि मुझे भी लूसिफर के साथ नर्क में जाना होगा। हाँ बेटी मेरे साथ नहीं, तुम मेरे दोस्तों के साथ जाओगे और फिर मैं यहाँ पे अकेले खड़े होकर डेविल बॉस दूंगा सर्बियन डांसिंग लेडी को। लेकिन फिर सर्बियन डांसिंग लेडी तुम्हें मार देगी। लूसिफर मेरी बात मानो, जल्दी से गोस्ट राइडर कर्स और क्राटोस को दोबारा जिंदा करो, उसके बाद डेविल बॉस और सर्बियन डांसिंग लेडी को भी तुम चारों मिलके मार देना। हाँ बेटी इतना आसान नहीं है जिंदा करना, मैं अपने इन दोस्तों को सिर्फ और सिर्फ नर्क के अंदर जाके जिंदा कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें दिखाई दे रहा है कि क्राटोस ने गोस्ट राइडर का हाथ पकड़ा हुआ है, क्योंकि ये तीनों के तीनों आपस में काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। ठीक है लूसिफर, ये मैं तुम्हारी आखिरी बात मान रही हूँ, तुम अपने तीनों के तीनों दोस्त को वापस नर्क में भेज दो और हामिटी को भी ले जाओ यहाँ से। मुझे बस मेरा डेविल बॉस जिंदा वापस चाहिए। ठीक है सर्बियन डांसिंग लेडी, अभी लाके देता हूँ। चलो हामिटी तुम्हारे जाने का भी टाइम हो गया है। अबे नहीं नहीं लूसिफर, मैं नहीं जा रहा हूँ नर्क के अंदर, वहाँ पे बहुत ज्यादा आग होती है। और वैसे भी तुमने अपने तीनों के तीनों दोस्तों को भेज दिया क्या? हामिटी कर्स क्राटोस और गोस्ट राइडर चले गए नर्क के अंदर, तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि सर्बियन डांसिंग लेडी मेरे ऊपर अटैक करेगी। वो क्या है ना कि लूसिफर तुम भी मेरे दोस्त हो और मेरे होते हुए मेरे दोस्त को कोई मारे ये बात मुझे अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हामिटी बहुत पछताओगे, निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे लगता है कि सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल बॉस मिलके मुझे मार देंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम भी मर जाओ, इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम्हें नर्क के अंदर जाना होगा। अबे वो क्या है ना कि लूसिफर ऑर्डर वगैरह मैं किसी का नहीं सुनता हूँ, तो इसलिए तुम एक काम करो ना कि डेविल बॉस दे दो सर्बियन डांसिंग लेडी को, उसके बाद जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। ठीक है हामिटी जैसा तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुमने प्रूफ कर दिया है कि तुम लूसिफर के सबसे ज्यादा अच्छे कंपेनियन हो। हाँ हाँ ठीक है, अभी तारीफें मत करो, डेविल बॉस ला के दो इसको। और मुझे इतना तो पता है कि यार गाइस डेविल बॉस लूसिफर को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि लूसिफर ने डेविल बॉस को बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से मारा था। और अभी तो हम लोग को एक बात ये भी समझ में नहीं आ रही है कि सर्बियन डांसिंग लेडी के पास इतनी पावर्स कैसे आ गई एकदम से। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना नर्क के अंदर चला जाऊं, क्योंकि यार गाइस वैसे भी लूसिफर हेल गॉड है, लेकिन अगर मैं यहां से चला गया तो फिर मैं तो भगोड़ा बन जाऊंगा। और यार गाइस हामिटी और हामिटी आर्मी भगोड़ी नहीं है, हम लोग यहां पे खड़े होकर सर्बियन डांसिंग लेडी का मुकाबला करने वाले हैं, फिर बाद में जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। लूसिफर ने डेविल बॉस जिंदा करके सर्बियन डांसिंग लेडी को दे दी है, एक्सचेंज तो हम लोगों ने अच्छा किया। लूसिफर अभी क्या होगा? सर्बियन डांसिंग लेडी अभी मुझे जाना होगा। अरे लूसिफर इतनी क्या जल्दी है जाने की, तुम यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाने वाले हो। देखा हामिटी मुझे पता था कि ये लोग ऐसा ही करेंगे। अबे लूसिफर तुम्हें पता था तो फिर तुम यहाँ पे क्यों रुके हुए हो? हामिटी मैं तो इनके साथ फाइट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ ये बताओ। तुम्हें मैं अपनी गन देता हूँ हामिटी, तुमने सिर्फ गोलियां चलानी है। और याद रहे तुम लूसिफर के कंपेनियन हो, फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। अच्छा ठीक है, फटाफट से अपनी गन दे दो मुझे। पहले से ही मुझे शक था कि सर्बियन डांसिंग लेडी हम लोग को धोखा देगी, लेकिन अभी यहाँ पे फाइट होने वाला है और फाइट भी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि मेरी टीम के अंदर लूसिफर है। क्या करेंगे, लूसिफर जीत तो जाएंगे ना हम लोग। हाँ बेटी तुम सिर्फ कोने में खड़े होकर गोलियां चलाना, बाकी मुझ पर छोड़ दो। अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्योंकि हाँ बेटी अभी टाइम आ चुका है अपनी रियल पावर्स को यूज करने का। अरे मेरे दोस्त लूसिफर, इतनी भी क्या जल्दी है पावर्स को यूज करने की? मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम नर्क के गॉड हो, नर्क के अंदर ही रहो, लेकिन तुम्हें उस टाइम मेरी बात समझ में आई नहीं। अभी देखो मेरी सर्बियन डांसिंग लेडी ने क्या हाल किया है तुम लोग का। मेरे डेविल बॉस जैसा आपने मुझे सिखाया था मैंने बिल्कुल वैसा किया, और देखिए मुझे अकेले ने हम लोग की दोस्त द नन भी वापस ले ली और साथ में आप भी वापस आ गए, लेकिन अभी हम दोनों मिलके लूसिफर को छोड़ेंगे नहीं। शाबाश सर्बियन डांसिंग लेडी, लूसिफर की तुम फिकर मत करो, लेकिन तुम मुझे साथ में ये बताओ कि हम लोग का दोस्त तुम्हें मिल तो गया था ना? हाँ डेविल बॉस, ये सारी की सारी पावर्स जो मेरे पास है ये हम लोग के दोस्त ने हम लोग को दी है। अबे लूसिफर ये लोग किस दोस्त की बात कर रहे हैं? पता नहीं हामिटी, ये तो मैं खुद पहली दफा सुन रहा हूँ। मुझे लगा था कि सर्बियन डांसिंग लेडी का बॉस सिर्फ डेविल बॉस है। हामिटी सर्बियन डांसिंग लेडी का बॉस डेविल बॉस ही है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन
लेकिन देखो सर्बियन डांसिंग लेडी, द नन और डेविल बॉस सिर्फ और सिर्फ ये लोग तीन थे ना, तो फिर अभी डेविल बॉस किसकी बात कर रहा है? हाँ मेटी, ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही। मरेंगे लूसीफर, हम दोनों के दोनों यहाँ पे मरने वाले हैं। डेविल बॉस, ये सिंचन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तुम लोग का सिंचन अभी तक जिंदा था और तुम्हें अच्छे से याद होगा जब तुम लोगों ने सर्बियन डांसिंग लेडी के गोश्त को मारा था, तो फिर उसी समय तुम्हारा दोस्त चौप भी मर गया और अभी मरने की बारी है इस बड़े मुंह वाले बच्चे की। अरे यार, हमने ये लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं, हमने प्लीज कुछ भी करके मुझे बचा लो। छोटे बच्चे, तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा क्योंकि तेरे भाई हामेटी ने नर के गॉड के साथ हाथ मिलाया था, अभी तो तू बिल्कुल भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर प्लीज आप मुझे छोड़ दो, आप मुझे आग में क्यों चला रहे हो? अभी तो तू देखता जा बच्चे, मैं तेरे साथ करता क्या हूँ, इतना जल्दी तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेके चलता हूँ तुझे तेरे हामिद भाई के पास। ये लो हामेटी तुम्हारा सिंचन। अरे यार, हमने मुझे जल्दी से बचा लो, हमने आग बहुत ज्यादा तेज है। जाके बचा ले अपने छोटे भाई को, बचा सकता है तो। एक सेकेंड सिंचन, तू ठीक तो है ना? जल्दी से तुझे पानी के अंदर जाना होगा। अरे यार, हमने आग बहुत ज्यादा लग रही है, हमने प्लीज मुझे बचा लो, हमने बहुत ज्यादा तेज आग लग रही है। अरे वाह छोटे बच्चे, पानी में चला गया तू, तुझे शायद पता नहीं है कि मेरी आग पानी में भी काम करती है। और हाँ बेटी, तू भी इधर आ, मेरे ऊपर गोली चलाने की कोशिश किस तरह की तूने? अरे यार डेविल बॉस, अगर तुमने जो भी कहना है तो मेरे साथ करो, लेकिन मेरे हामिद भाई का कुछ भी मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मुंह तो अभी तुम दोनों का मैं तोड़ूंगा, मेरे साथ पंगा लिया था ना तुम लोगों ने, अभी तुम लोग देखोगे मैं तुम लोग के साथ करता क्या हूँ, इतने बुरे तरीके से मारूंगा पूरी जिंदगी याद करोगे। ये छोटा बच्चा तो लगता है कि मर गया, अभी बारी है इस हामिटी को मारने की। और ये क्या लगता है कि ये भी टपक गया, लेकिन खैर मैंने तो मारना है इस छोटे बच्चे को, और मैं तो सोच रहा हूँ कि इसको बहुत ही ज्यादा ऊपर जाके यहाँ से नीचे फेंकूं, अभी दोबारा ये किसी को भी कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्या लगता है कि अभी तक ये मरा नहीं है, बड़ी अच्छी किस्मत है इस लड़के की, लेकिन गया, अभी ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसका भाई हामिटी भी मर गया और ये भी मर गया। अभी चलता हूँ लूसीफर के पास, देखता हूँ कि उसके पास कितनी पावर्स हैं। लूसीफर, तूने मुझे उस दिन तो बहुत मारा था, अभी आ मेरे सामने, देखता हूँ कि तू मेरा क्या बिगाड़ता है। कौन किसका क्या बिगाड़ेगा ये तो पता चल जाएगा, लेकिन पहले मुझे अपने दोस्त को पानी से बाहर निकालना है। तुम लोग को लग रहा होगा कि तुम्हारा भाई हामिटी मर गया है, लेकिन नहीं, इसको एक्टिंग बहुत बढ़िया तरीके से आती है। चुपचाप यहाँ पे लेट के मरने की एक्टिंग करता हूँ। हाँ यार गाइस, अभी मेरे पास यही ऑप्शन है, क्योंकि अगर तो डेविल बॉस ने दोबारा मुझे देख लिया तो फिर वो मुझे छोड़ेगा नहीं, तो मैंने तो सोच के रखा है कि भाई साहब मैं तो पानी के अंदर ही रहने वाला हूँ। तुम लोगों ने अपने भाई हामिटी की बात तो सुन ली होगी, लेकिन अभी टाइम आ चुका है अपने दुश्मनों को खत्म करने का, और इनको मैं इतनी गंदी मौत मारूंगा कि ये लोग दोबारा कभी जिंदा नहीं होंगे। मेरे तीनों के तीनों दोस्त कर्स, क्राटोस और गोस्ट राइडर तो चले गए नर्क के अंदर, लेकिन मुझे सिंचन को भी ढूंढना है, क्योंकि हामिटी अपने भाई सिंचन से बहुत प्यार करता है। लेकिन अभी पता नहीं डेविल बॉस ने सिंचन को फेंका किधर है, कहां पे जा सकता है, ये छोटा बच्चा गया किधर, हामिटी का छोटा भाई है, मुझे इसको बचाना होगा, लेकिन पता नहीं डेविल बॉस ने कहां पे फेंक दिया इसको। एक काम करता हूं कि थोड़ा सा और आगे जाके देखता हूं, हो सकता है कि यहां कहीं पे मिल जाए, और ये रहा हामिटी का छोटा भाई, ये रहा। अभी जल्दी से इसको अपना कंपेनियन बना के नर्क के अंदर भेजता हूं, उसके बाद हामिटी को भी नर्क में भेजूंगा, फिर देखता हूं कि डेविल बॉस और सर्बियन डांसिंग लेडी मेरा क्या बिगाड़ती है। चलो छोटे बच्चे उठो, अबे उठो, तुमसे बात कर रहा हूं। लगता है कि ये बेचारा मर चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं दोबारा जिंदा कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे इसको नर्क के अंदर भेजना होगा, और इसको नर्क के अंदर भेजने के लिए मुझे ब्लैक होल बनाना है। मेरा ब्लैक होल तो आ गया, और अभी टाइम आ चुका है छोटे बच्चे को नर्क में भेजने का। सिंचन तो चला गया, अभी टाइम आ चुका है डेविल बॉस और सर्बियन डांसिंग लेडी को अकेले खत्म करने का। यहाँ पे खड़े हुए हैं ये दोनों के दोनों। तुझे क्या लगा था कि डेविल बॉस तू मेरा मुकाबला करेगा? एक सेकेंड में खत्म कर दिया मैंने इसको। और हाँ सर्बियन डांसिंग लेडी, तुझे भी इसी तरह कुचल दूंगा मैं। इतनी सी हिम्मत थी इन दोनों के अंदर और मेरे साथ फाइट करने का सोच रहे थे। चलो हाँ बेटी, निकलो अभी बाहर। लूसीफर की आवाज आ रही है और ये बोल रहा है कि निकलो बाहर, मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक हो गया है और अभी मुझे भी उठना पड़ेगा। लेकिन एक सेकंड, सिंचन किधर है? किधर गया लूसीफर, सिंचन किधर है? हाँ बेटी, सिंचन को भेज दिया नर्क के अंदर। क्या बात कर रहे हो, सिंचन को नर्क में भेज दिया? हाँ बेटी, तुम समझो कि हम लोग की जीत हो गई। मर गई सर्बियन डांसिंग लेडी भी, मर गई द नन भी, मर गई। इन लोग को लगता था कि ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन लूसीफर ने इनको मार दिया है और हम लोग के पास हमारे सारे के सारे दोस्त वापस आ गए। चौप तो ऑलरेडी लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग के पास आ गया था, और उसके बाद सिंचन भी हम लोग को मिल गया साथ
में कर्स, क्राटोस और गोस्ट राइडर भी हम लोग को मिल गए। लेकिन पहले जरा मैं इसको एक लात मार लूं। मेरे छोटे भाई सिंचन को इसने इतना ज्यादा मारा, इसको शर्म नहीं आई, आग में जला दिया था इसने सिंचन को। मगर अभी ये पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन लूसिफर एक बात बताओ, सर्बियन डांसिंग लेडी पहले तो तुमसे मर नहीं रही थी, फिर अभी एकदम से तुम्हें क्या हो गया? पता नहीं हामिटी, लगता है कि इसकी पावर्स खत्म हो गई थी। कौन सी पावर्स, कैसी पावर्स की बात कर रहे हो? कुछ भी नहीं कह सकते हामिटी, पता नहीं क्या ही हुआ लेकिन दोनों को मार दिया मैंने। ये तो तुमने कुछ ज्यादा ही अच्छा किया है। अभी क्या बोलते हो, हम लोग इनको नर्क में भेज दें क्या? इनको नर्क में भेजने की क्या जरूरत है हामिटी, इन तीनों को मैं इसी वाले टावर के ऊपर लटकाऊंगा ताकि पूरे के पूरे लॉस सेंटोस को पता चले कि लूसिफर ने इनको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। हाँ वैसे बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, द नन भी मर गई, सर्बियन डांसिंग लेडी भी मर गई और डेविल बॉस भी मर गया, तो फिर इन लोग को दोबारा जिंदा अभी कौन ही कर सकता है? इसीलिए हामिटी इनको नर्क में भेजने की जरूरत नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम लोग की जीत हो गई? फिलहाल तो हामिटी हम लोग की जीत हो गई है, लेकिन सर्बियन डांसिंग लेडी के पास पहले कौन सी पावर्स थी इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। चलो ठीक है, जो भी पावर्स थी, लेकिन तुमने इनको मारा कैसे? कुचल के मार दिया हामिटी, मैंने इनको हवा में उठा के कुचल दिया, इनकी बॉडी की सारी हड्डियां तोड़ी है मैंने। ये तो तुमने बहुत ही बढ़िया किया है, दिल तो कर रहा है कि मैं इसको और भी ढेर सारी लातें मारूं। डेविल बॉस था यार, गाइस अपने आप को डेविल बॉस बोल रहा था, एक नंबर का नूबड़ा था ये। लेकिन फाइनली हम लोग की जीत हो गई है और सर्बियन डांसिंग लेडी का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। ऐसा कौन आ गया जिसने मेरे डेविल बॉस को मार दिया? लगता है कि उसने डेविल बॉस को अकेला समझा हुआ है। सुनने में आया है मुझे कि कोई हेल गॉड आया है लॉस सेंटोस के अंदर। अगर हेल गॉड यहाँ पर आ सकता है तो डेविल गॉड भी यहाँ पर आ सकता है। डेविल बॉस मेरा कंपेनियन था और अगर मेरे कंपेनियन को कोई मारेगा तो मुझसे बचेगा नहीं। और फिर डेविल बॉस के कंपेनियन थे सर्बियन डांसिंग लेडी और द नन। द नन और सर्बियन डांसिंग लेडी से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे बॉस को अगर कोई मारेगा तो डेविल गॉड उसको छोड़ेगा नहीं। मैं भी जाके देखता हूँ कि आखिर ये हेल गॉड है कौन और इसने ये सोच कैसे लिया कि डेविल बॉस अकेला है। सर्बियन डांसिंग लेडी को मैंने अपनी पावर्स देके भेजा था और फिर मैंने उसको बोला भी था कि लूसिफर को खत्म कर दे, लेकिन ये नहीं कर पाई। और अभी टाइम आ चुका है मुझे खुद इन लोग को मारने का, लेकिन उससे पहले मुझे अपना वेपन चाहिए। लूसिफर को लगा था कि सिर्फ उसी के पास वेपन्स होते हैं, लेकिन नहीं, मेरा ये वाला वेपन एक दफा मैंने लूसिफर को मारा तो फिर उसके बाद वो दोबारा कभी जिंदा नहीं होगा। तो तेरा नाम है लूसिफर यानी के हेल गॉड। अबे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम क्या चीज हो? जब डेविल गॉड बात करता है तो बीच में नहीं बोलना होता, अभी बोल के दिखा मेरे आगे तू। हाँ तो तेरा नाम है ना लूसिफर, चल तुझे मैं अभी अपनी पावर्स दिखाता हूँ। और तूने क्या समझा था कि डेविल बॉस अकेला है? नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ डेविल बॉस है। अभी तुझे मैं डेविल गॉड यानी कि अपनी पावर्स दिखाऊंगा और तू यानी कि हेल गॉड मुझे अपनी पावर्स दिखा। लेकिन ये सब तो बात की बात है, पहले जरा मैं तुझे तकलीफ तो पहुंचा दूं। क्या हुआ, बोलता क्यों नहीं है तू? हिम्मत है तो बात कर मेरे से, इतनी बुरी मौत मारूंगा पूरी जिंदगी याद करेगा तू। डेविल गॉड से पंगा लेके इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अभी इन लोग के मरने का टाइम आ चुका है। चल मेरे साथ, मैं तुझे अपनी दुनिया में लेके चलता हूँ और फिर वहाँ से तू कभी भी लौट के वापस नहीं आ पाएगा। मेरे सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और ये था कौन? अबे लूसिफर ये कौन था? और एक सेकंड, लूसिफर किधर गया? अबे यार गाइस, लूसिफर को लगता है कि वो ले गया है, मगर वो क्या चीज थी यार गाइस? काली सी भयानक सी चीज थी, लेकिन उसका क्या नाम उसने मुझे बताया था? डेविल गॉड। हाँ यार गाइस, उसने मुझे बोला था कि वो डेविल गॉड है, लेकिन मैंने बीच में पता नहीं क्या बोला था, उसने मेरे सर के ऊपर एक अजीब सा वेपन मारा और फिर मैं तो बेहोश हो गया था। और लूसिफर किधर गया? किधर है लूसिफर? किधर है? मुझे लूसिफर को ढूंढना होगा। अगर यार गाइस आप लोग को पता है कि लूसिफर किधर है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अभी पता नहीं ये डेविल गॉड किधर है, और इससे पहले कि ये दोबारा यहाँ पर आए मुझे फौरन से पहले यहाँ से निकलना होगा। आप लोग यार गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और साथ में बेल वाले नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस करना ताकि नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम से मिल जाए। मैं आप लोग से मिलता हूँ एक और ओपी गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।